मॉर्निंग, आज का सुबह हम शुरू कर रहे हैं हमारे नए नए घर से। और बात कुछ ऐसी है, मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ और अभी बज रहे हैं 10:14 और एक्चुअली ऐसा है कि ब्लॉग बहुत बहुत लेट आ रहे हैं। मुझे मालूम है आप सब लोग बहुत ही वेट कर रहे हैं मेरे अगली ब्लॉग्स का कि कब आएगा। तो एक्चुअली मैं ब्लॉग एडिट तो सही है सब कुछ सही, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाऊँ क्योंकि हम लोग नए घर पे आए हैं ना। तो नए घर के आने के बाद अभी यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही सही से अभी तक सेटल नहीं किया गया है। तो अभी जैसे कि मेरा मोबाइल डेटा से अभी जितना भी काम चल रहा है, ये एक एक ब्लॉग जो मैं एडिट करता हूँ उसके बाद अपलोड में बिताता हूँ, तो करके एक एक के साइज़ 8-9 GB तक हो जाता है। कोई तो 10 GB तक से 10 GB तक आता है, कोई तो 10 GB से ऊपर भी जाता है। तो अभी 10 GB मोबाइल डेटा से अपलोड करना तो आसान बात नहीं है। तो वाईफाई का इंतज़ार है हमें कि अभी वाईफाई का बात मतलब अभी तो वाईफाई नहीं लगाया गया है यहाँ पर, अभी तक यहाँ पर वाईफाई नहीं लगाया गया है, तो इसलिए थोड़ा और देरी हो रहा है, ब्लॉग्स आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन मैं अभी लेकिन उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि मैं अभी छोटा छोटा ब्लॉग बनाने वाला हूँ ताकि मैं अपने मोबाइल डेटा से ही अपलोड कर पाऊँ। मैं छोटा छोटा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा अभी, क्योंकि अभी इसके अलावा मेरे को ऐसा कोई मतलब इसके अलावा कोई दूसरा आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं और क्या ही करूँ। जिन्हें अभी नेट डेटा मेरा है छोटा डेटा है जो जितना भी है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि अभी मेरे को कैसे ब्लॉग अपलोड करना चाहिए। छोटा छोटा ब्लॉग बना के अपलोड करें या फिर जैसे हम 15-20-30 मिनट के जैसे ब्लॉग बनाते हैं वैसे ब्लॉग बना के हफ्ते में एक दिन ऐसे अपलोड करें। अभी क्या करें आप लोग प्लीज़ इस बात को कमेंट सेक्शन में बताइए। तो है गाइस, तो जिन लोगों को अभी तक मेरे रूम टूर से वाकिफ नहीं हुए उन लोगों को मैं थोड़ा बहुत छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं दे सकते, मतलब ज़्यादा प्रॉपर वीडियो से नहीं दे सकते। ब्लॉग में जितना दिख रहा है उतना ही हम ऐसे ऐसे दिखा देंगे। तो ये है मेरा रूम, जैसे कि आप देख सकते हैं घर के अंदर यहाँ पर है मेरा रूम, ये मेरा रूम है। और ज़्यादा कुछ खास साफ सफाई तो नहीं किया गया है बस। तो जैसे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इससे पहले हमारा जो घर था वहाँ पे दो बेडरूम था, एक डाइनिंग रूम था, एक वॉशरूम था, एक किचन था और एक जो ऊपर तरह का सीढ़ी होता है जिसको हम अपने लैंग्वेज में सीढ़ी घर बोलते हैं, तो वो सीढ़ी घर था और एक बारंदा था, मतलब वो भी हम अपने लैंग्वेज में बारंदा बोलते हैं। वहाँ पे हम लोगों का 2 बेड था और यहाँ पर 3 बेडरूम है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये वाला पोर्शन, यहाँ पर एक बेड है, यहाँ पर हमारा दूसरा बेड है और यहाँ पर हमारा तीसरा बेड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बेड हैं, वहाँ पे 2 बेड था यहाँ पर। तो इसका तो कैसे हुआ, सीधी सी बात है ये बेड नया है मेरे रूम में, ये नया बेड लगाया गया है। ये बेड अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद आया। ये एक ये बेड है मेरा, मतलब ये रूम है और ये मेरा रूम का बेड। हंस लो थोड़ा बहुत हंस लो, क्यों मैं बोल रहा हूँ। और ये भी एक बेड है, वहाँ पे मेरा छोटा भाई सोया पड़ा है, सब चीज़ों को कवर कर ले, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो और यहाँ पर पूजा का घर रखा गया है। ये है डाइनिंग रूम जो वहाँ पे मैंने बोला था लास्ट ब्लॉग में, मतलब फर्स्ट जो ब्लॉग था घर को लेके, उस ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि डाइनिंग रूम चला जा चुका है। तो ये है वो डाइनिंग रूम, ये है हमारा किचन, हाँ हमारा किचन और डाइनिंग रूम एक साथ में कर दिया गया है। ये किचन है, यहाँ पर
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे हैं यहाँ पर सब रखने के लिए कि, और यहाँ पर थोड़ा बहुत, और ये इसको चिमनी बोलते हैं। तो ये जो चिमनी है वो ऐसे है, ये चूल्हे के ऊपर ऐसे चिमनी रखा गया है, और इसके ऊपर ये ड्रॉयर है। मैं आपको सब कुछ खोल के दिखाता हूँ एक एक करके, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत और चीज़ें दिखा देता हूँ कि जैसे कि मैंने फर्स्ट ब्लॉग में बोला था कि वहाँ पर एक अगर लगाया, मतलब यहाँ पर एक अगर लगाया जा चुका है इसलिए वहाँ से हम नहीं लेके आए, तो ये है वो एक अगर। और मालूम है क्या, इसका पानी मेरे को उस घर के पानी से ज़्यादा अच्छा लगता है। मालूम है कि उस घर का पानी कैसा होता है, कि जैसे एकदम साफ पानी इतना ही, ये थोड़ा पानी को मीठा कर देता है। ये पानी का ये जो एक्वागार्ड है, मतलब वाटर प्यूरीफायर, एक्वागार्ड तो नहीं है, एक्वागार्ड एक ब्रांड का नाम है, बहुत लोग गलती करते हैं। बाय द वे ये जो वाटर प्यूरीफायर है, इसका पानी तो मतलब ये पानी को थोड़ा मीठा कर देता है, और वो एक्वागार्ड सिर्फ पानी को साफ करता था, साफ पानी। तो इसका पानी मेरे को अच्छा लगा, यही मुद्दा बात है। तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर यह है एक फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो कि इस घर के लिए नया नया ले मतलब नया ले अरे मेरा हिंदी थोड़ा बहुत खराब है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये रेफ्रिजरेटर को यहाँ पर लाया गया है। और यह है एक दरवाज़ा जिसके बाहर एग्जिट है, और बाहर काम चल रहा है। ठीक है, बाहर भी काम चल रहा है, बाहर का हालत तो अभी सही नहीं लग रहा। कल बारिश हुआ था ना, बारिश की वजह से अभी यहाँ पर पानी जम गया है। लेकिन ये हमारा मेन गेट नहीं है, ये हमारा मेन गेट नहीं है, मेन गेट वहाँ से है, वो वाला, वो जो दरवाज़ा दिख रहा है वो मेन गेट है, वो नीचे जाने का सीढ़ी। और ये छत है, और इसके ऊपर भी एक छत है, वो ऊपर जाने का सीढ़ी है, जहाँ पर मैं दो लास्ट दो ब्लॉक्स में आपको जा रहा दिखा रहा हूँ। तो अभी यहाँ से अंदर आने के बाद ऐसा एक डाइनिंग रूम दिखता है, और इधर एक किचन है, और किचन में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा बहुत सफाई करने का थोड़ा बहुत चीज़ें रखी गई हैं, और यहाँ पर खाना बनाने का कुछ सामान, ऐसे कुछ खाना बनाने का सामान ये वो रखा गया है। और इधर क्या है, अरे भी थोड़ा बहुत सामान है। और यहाँ पे बर्तन बर्तन रखे गए हैं, इसके अंदर भी कुछ सामान रखा है, सही से मालूम नहीं क्या रखा है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ ये है, इसको हम ऐसे निकालेंगे। यहाँ पर बर्तन रखने की जगह है, ऐसे बर्तन, और इधर प्लेट्स रख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कंपार्टमेंट इससे ज़्यादा सफाई से रखा गया है, इसके पीछे कारण है, इसका पीछे ये कारण है कि वो कंपार्टमेंट ने मेरा मॉम ने संभाल के रखा है, और इसको मैंने रखा था। तो इजी बात है, मेरा काम कुछ ऐसा ही है, इतना सुंदर काम करता हूँ मैं, इतना सुंदर ये मम्मी ने किया था। तो मम्मी जी जय हो। और ये है जैसे बोला हमारा रूम कुछ ऐसा ही है, और आखिरी रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारे घर का फाइनल रूम। इस घर में सही बोलूँ तो अभी आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन इस घर में, इस रूम में कुछ स्पेशल चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी दिखा दूँ क्या, दिखा दूँ अभी, दिखाएं दिखाएं दिखाई देते हैं।
उस घर में सबसे ज्यादा और अच्छे से लाइट को डेकोरेट किया गया है, जो मुझे सही में काफ़ी अच्छा लगा। और इतना ही था इस वीडियो के लिए, मेरे को नहीं लगता इससे बड़ा वीडियो बनाना सही रहेगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, टिल देन एंजॉय योर लाइफ और सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को जल्द से जल्द। मेरा नेक्स्ट ये है 50 सब्सक्राइबर कर दो, 50 सब्सक्राइबर कर दो। बाय। जदों मैनू वेखेगी मेरी याद, जदों आऊगी ता पता लगूगा, दिल नाल तारे बाल के दिल तेरा जदों टुटूगा ता पता लगूगा।